इस वीडियो में हम कोरिलेशन और काजेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च में कोरिलेशन और काजेशन क्या है कोरिलेशन और काजेशन में क्या डिफरेंस होता है व्हाट इज़ कोरिलेशन कोरिलेशन इज़ डिफाइंड एज द एसोसिएशन क्लोजनेस और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं को रिलेशन वट इज़ काजेशन काजेशन मीन्स कॉज एंड इफेक्ट चेंज इन वन वेरिएबल काज चेंज इन एन अदर वेरिएबल काज एंड इफेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करें तो इसका क्या इफेक्ट होता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर मतलब अगर हम काज को कंट्रोल करें काज़ को मैनिपुलेट करें तो इसका क्या इफेक्ट होता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर हर एक प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई काज़ होती है अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई काज़ होती है तो काजेशन के अंदर हम काज़ एंड इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं और को रिलेशन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं क्लोजनेस को स्टडी करते हैं एसोसिएशन को स्टडी करते हैं कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कोरिलेशन की तीन डिफरेंट टाइप्स होती हैं पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है और अगर हम ए को डिक्रीज़ करते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज़ होता है तो वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करें तो इसके क्रॉसबॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ होता है और अगर हम पहले को डिक्रीज़ करें तो दूसरा इंक्रीज होता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं और नो को रिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता को रिलेशन की मेजरमेंट के लिए हम कोरिलेशन कॉफिशेंट को यूज़ करते हैं जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन रिलेशन की वैल्यू ये शो करती है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है और रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है कोरिलेशन रिलेशन की जो वैल्यू है उसकी रेंज प्लस वन टू माइनस वन होती है प्लस वन का मतलब होता है स्ट्रॉग पॉजिटिव कोरिलेशन ज़ीरो का मतलब होता है नो no कोरिलेशन और माइनस वन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन काजेशन सिंपली काज एंड इफेक्ट होता है काजेशन इंडिकेट्स दैट वन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द अक्रंस ऑफ द अदर इवेंट काजेशन ये शो करती है कि अगर कोई इवेंट हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और अगर हम काजेज़ को स्टडी करें तो हम ये प्रडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये काजेज एग्जिस्ट करती हैं तो इनके क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं अब कोरिलेशन और काजेशन में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कोरिलेशन डज नॉट एम्प्लॉय काजेशन अगर कोरिलेशन हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे काजेशन भी हो लेकिन अगर काजेशन हो तो लाजमी है कि कोरिलेशन भी होगा इसको हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एजुकेशन लेवल और हेल्थ और इनमें एक रिलेशनशिप है लेकिन यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ये एक सिंपल को रिलेशन है एजुकेशन लेवल और हेल्थ पे लेकिन अगर हम काजेशन की एग्जाम्पल को देखें ना कि स्मोकिंग काज लंग्स कैंसर यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं स्मोकिंग और कैंसर अब स्मोकिंग काज है और कैंसर उसका इफेक्ट है अब ये काजेसन है अब यहाँ पे कोरिलेशन भी है कि स्मोकिंग कोरिलेट करती है कैंसर के साथ तो इसका कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे काजेशन होगी वहाँ पे कोरिलेशन लाजमी होगा लेकिन अगर कोरिलेशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे काजेशन भी हो